हेलो एवरीवन, सी वाई गोल्ड का कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर के अंदर जो है, कस्टमर का कहना है कि इसने मोटर को जाम कर दिया है। हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर एक्चुअली में फॉल्ट आया क्या है, जिसकी वजह से इसने मोटर को जाम कर दिया है। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है इसकी जो है मॉसफेट, इसके अंदर आग लग चुकी है और आग लगने के कारण ये शॉर्ट हो चुका है। तो इसको चेक करते हैं कितने मॉसफेट इसके अंदर ख़राब हो चुके हैं। सबसे पहले इसके जो है मॉसफेट चेक करते हैं, कौन सा सेक्शन इसका ख़राब हुआ है मॉसफेट का। ऊपर से शुरू करते हैं, इधर के मॉसफेट ठीक है। अब ये चेक करते हैं, ये भी मॉसफेट ठीक है, इसके कंटिन्यूटी बिल्कुल सेम आ रही है, ओके आ रही है। अब इसके चेक करते हैं, ये भी ठीक है। अब ये वाला चेक करते हैं, ये भी ठीक है। अब आते हैं नीचे वाले पे, जिस पोर्शन में आग लगी है वही पोर्शन उसका ख़राब बता रहा है। इस साइड का पोर्शन इसका बिल्कुल ओके है, जिधर आग लगी है ये पोर्शन इसका ख़राब हो चुका है। दोनों पीने इसकी शॉर्ट बता रहे हैं। एक्चुअली में अब आप उसको आपको रिपेयर करके दिखाते हैं रिपेयर कैसे होता है। ये मॉसफेट ख़राब है इसके, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि सारे मॉसफेट इसके ख़राब हो चुके हैं। शोल्डर लगाओ, प्रेस करो, ये बाहर मॉसफेट आ चुके हैं, इसके मॉसफेट बाहर आ चुके हैं। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर नए मॉसफेट लगाएंगे। ये हमारे पास जो है कुछ मॉसफेट हमने निकाल रखे हैं पहले से ही, ये मॉसफेट लगाएंगे हम इसके अंदर। वो पहले ही अंदा क्या करते हैं इसकी कितनी रेजिस्टेंस खराब हुई है। हाँ, बहुत बुरा चस्का भाई,
इसके रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं। अंदर थोड़ी सी शॉर्टिंग रह गई थी, शॉर्टिंग को दोबारा चेक करते हैं इसकी। अब शॉर्टिंग इसकी ओके हो चुकी है। इसके फ्यूज़ चेक करते हैं, ये फ्यूज़ काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, ओके है हमारा कंट्रोल। इसके अंदर ये जितने भी छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये सब हमको चेंज करने पड़ेंगे। और ये लगे हैं इसके अंदर फ्यूज़, चार फ्यूज़ हैं इसके अंदर, ये 1 2 3 4, और बाकी ये रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस वैल्यू है। चलो ठीक है, फिर हम इनको चेंज करते हैं।